खबर जहाजपुर से। आजादी के दीवानों की रोंगटे खड़े कर देने वाले वो दस्ताने जो आपने नहीं सुने होंगे। फांसी का फंदा एक था और गर्दनें दो क्रांतिकारियों की थी, एक बाबा रामशरण दास की और दूसरे मौलवी आमिर अली की। यूपी के अयोध्या के मशहूर इमली के झाड़ या कहें कुबेर का टीला पर इनकी गाथा कहता बोर्ड आज भी लटका हुआ है। हरियाणा के हांसी के दो क्रांतिकारी दोस्त, एक का नाम था हुकुम चंद जैन और दूसरे का नाम था मुनीर बैग। दोनों ने अंग्रेजों का डटकर इतना मुकाबला किया और लोहा लिया कि अंग्रेजों ने हांसी के लोगों को डराने और उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए उन दोनों को ऐसी सजा दी कि हुकुम चंद जैन को उनके मजहब के खिलाफ जिंदा दफना दिया गया और मुनीर बैग को उनके मजहब के खिलाफ चिता पर जिंदा जला दिया गया। महात्मा गांधी को बचाने वाले बिहार के मोतिहारी के बटक मियाँ अंसारी थे। अंग्रेजों ने उनके परिवार को किडनैप करके उनके एक बेटे को मारकर उसकी लाश को दिखाकर उन पर दबाव बनाया था कि वो गांधी को जहर दे। अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक केरल के करीब 2500 क्रांतिकारी मपीला मुसलमानों को गांधी के असहयोग आंदोलन में साथ देने पर फांसी पर लटका दिया गया था। भारत रत्न पठान नेता खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ सीमांत गांधी, जिनके नेतृत्व में पठानों ने अंग्रेजों की लाठी गोलियां खाना मंजूर किया, लेकिन गांधी से किए अहिंसा के अपने वादे के मुताबिक उन्होंने हथियार नहीं उठाए। इस घटना में 60 पठान मुसलमान मारे गए। क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान, जिसे काकोरी कांड में बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार कर कालापानी भेजा गया और फिर फांसी पर लटका दिया गया। कालापानी भेजे जाने से पूर्व जब यूपी में उसके माँ बाप मिलने आए और रोने लगे तो अशफाकुल्ला खान ने उनसे कहा, आपको तो रोने की जगह फक्र होना चाहिए कि इतिहास में जब लिखा जाएगा कि खुदीराम बोस, बिस्मिल और कन्हैयालाल को फांसी दी गई तो उनके साथ देश के लिए फांसी पर लटकने वालों में तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला खान भी था। 1965 के युद्ध के समय जब हमारे पास सेना के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तब शास्त्री जी के लोगों ने दान देने के आह्वान पर हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने 5000 किलो सोना नेशनल डिफेंस फंड में दान किया था। आज भी हिंदुस्तान के इतिहास का देश है के लिए ये सबसे बड़ा दान है। सुभाष चंद्र बोस के साथ हवाई दुर्घटना से मरने वाला क्रांतिकारी कर्नल हबीबुर्राम था। जय हिंद का नारा देने वाले आंध्र प्रदेश के मोइनुद्दीन हसन थे। दोस्तों, आज देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है। इनके पुरखों सावरकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने देश को बंटवारे की ओर धकेला था। हिंदू मुस्लिम की द्विराष्ट्र की थ्योरी के जनक सावरकर थे, जो अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से छूट कर आए थे और गौरी अंग्रेज सरकार के लिए काम करते थे। बदले में उस जमाने में अंग्रेज सरकार से 60 रुपए महीना पेंशन लेते थे। उस जमाने में 60 रुपए महीने की ये राशि बहुत ही बड़ी होती थी, शायद बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाह से भी बहुत ज्यादा।